हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और रोज़ कुछ नया नया सीख रहे होंगे। आज मेरे बच्चों ने क्या देखा, कुछ नया देखा क्या? मम्मी पापा को ज़रूर बताना कि आज नया क्या देखा, ठीक है। तब तक हम एक काम करते हैं कि हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। हमने क, ख, ग और घ सीख लिया है। अब हम ये करेंगे कि इसको चित्रों पर हमको स्टिकर लगाना है, ठीक है। क से कमल और क से कबूतर, इसका स्टिकर ढूंढे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? यस, बुक के नीचे पीछे की तरफ, है ना। यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि हमको कहाँ पर उसका स्टिकर मिल रहा है। ये मिल गया हमको, ये सारे स्टिकर्स मिल गए। देखो ये यहाँ पर है ना, क से कमल मिल गया। तो सबसे पहले हम कमल निकालेंगे, ओके। ये मुझे कमल मिल गया। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ पर चिपका दूंगी। ये मेरा क से कमल हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला कौन सा स्टिकर मिलता है वहाँ पे। ये है घोड़ा, घ से घोड़ा। तो हम सबसे पहले घोड़े का स्टिकर निकाल लेंगे, ठीक है। ये मिल गया मेरा घोड़ा, ठीक है। अब मैं इसको वहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। मैच करेंगे, कहाँ है घ, ये है घ, ठीक है। तो घ से घोड़ा हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ओके, ये मेरा घोड़े का स्टिकर पेस्ट हो गया। अब हम देखते हैं कौन सा नेक्स्ट वाला स्टिकर है। अभी हमारे पास बहुत सारे स्टिकर्स बाकी है ना, सब देखते हैं। नाउ वी हैव खरबूजा, है ना। देखा ना, तरबूज और खरबूज आते हैं ना ठंड गर्मी के मौसम में। ये हमने खरबूज का स्टिकर निकाल लिया, इसको भी हम वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ख से खरबूजा या फिर ख से खरबूज, ये हो गया ख से खरबूज। अब देखें कौन सा है नया। ये क्या है, ग से गाय, है ना। अब हम इसको इस यहाँ से निकाल कर वहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। स्टिकर आ गया हमारे पास, ओके। नाउ वी विल पेस्ट इट देयर। ग से गाय, किस किस के घर में गाय है या फिर किस किस ने गाय देखी है। सभी ने देखी है, सभी को पता है ग से गाय है, है ना। अब नेक्स्ट देखें क्या है। ये है, ये क्या है, फ से फूल तो नहीं दिखा हमको, लेकिन ग से गमला है। तो हम ग से गमले का स्टिकर निकाल के ग के आगे लगाएंगे, ठीक है। ये हमने ग से गमले का स्टिकर निकाल दिया। ग से गमला, ये लग गया ग से गमला। अब क्या बाकी है, क से कबूतर, ख से खरगोश और घ से, ये तो राउंड राउंड लग रहा है, देखते हैं घ से क्या है, है ना। घ से घड़ी है, ख से खरगोश, क से कबूतर और घ से
घड़ी है। अब हम इनके भी स्टिकर्स फटाफट से निकाल के वहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। ये मैंने क से कबूतर निकाल लिया, ओके। क से कबूतर। अब हमारा क से कमल और क से कबूतर पूरा हो गया, ठीक है। ख से खरगोश हमारा बाकी है, तो हम जल्दी से ख से खरगोश भी निकाल लेंगे। ओहो, खरगोश मिल गया हमको, खरगोश, ठीक है। ये लग गया यहाँ पे हमारा ख से खरगोश। सो क से कमल और कबूतर, ख से खरगोश और खरबूज, ग से गमला और गाय, और घ से हमारी घड़ी बाकी है। अब हम निकाल लेंगे घड़ी। ओके, हमको हमारी घ से घड़ी भी मिल गई, ठीक है। यस, एक बार फिर से रिपीट कर लें। क से कमल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरबूज, ग से गमला, ग से गाय, घ से घड़ी और घ से ही घोड़ा। आज हमने सारे अक्षरों को दोबारा सीखा और हम एंघा भी जानते हैं, ठीक है। नए अक्षर सीखने के लिए हम जल्दी ही वापस आएंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।